ज्वालामुखी मंदिर में पूर्व सैनिकों ने दिव्यांग को मंदिर में दर्शन करवाकर समाज को नसीहत दी है कि वे भी जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए आगे आएं। पूर्व सैनिकों ने दर्शनों को आई दिव्यांग महिला श्रद्धालु को व्हीलचेयर द्वारा माता के दर्शन करवाए। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ से श्रद्धालु अशोक कुमार का परिवार माता के दर्शनों को ज्वाला जी आया हुआ था। उनके साथ एक महिला श्रद्धालु भी थी जो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थी। इसके उपरांत श्रद्धालु अशोक ने मुख्य मंदिर मार्ग पर बनी पुलिस चौकी में संपर्क किया, तभी वहां कार्यरत कर्मी ने इसकी सूचना मंदिर में दी। तब मंदिर में कार्यरत पूर्व सैनिकों दिलावर सिंह, जीत कुमार व मंदिर कर्मचारी कुलदीप कुमार ने बस स्टैंड पहुंचकर व्हीलचेयर द्वारा अपंग महिला को मंदिर तक पहुंचाया और सीढ़ियों से उठाकर मंदिर में दर्शन करवाए। चंडीगढ़ से आए हुए श्रद्धालु अशोक कुमार ने मंदिर प्रशासन और पूर्व सैनिकों का तहे दिल से धन्यवाद किया। देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना का निर्माण करने वाले केंद्र और प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी में मर्ज करने की प्रक्रिया का सीटू संगठन ने कड़ा विरोध किया है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान सीटू राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेबकी सहित नाथपा झाकड़ी व रामपुर परियोजना के मजदूर नेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एसजेबीएन प्रदेश में ऐसा उपक्रम है कि जिसने प्रदेश में सीएसआर के तहत कई काम किए जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि निगम वर्तमान में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन 1500 मेगावाट और रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट 1912 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जिससे 2700 करोड़ वार्षिक आय होती है और 37% विद्युत उत्पादन का हिस्सा हिमाचल का है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 5 अन्य विद्युत परियोजनाएं लुहरी स्टेज 1 210 मेगावाट, लुहरी स्टेज 2 172 मेगावाट शून्य 382 मेगावाट, जांगी ठोपन 780 मेगावाट और धोला सिद्ध 66 मेगावाट को भी एसजेबीएन को दे रही है। निगम कई हजार करोड़ का निवेश करने वाली है, इसमें 10,000 से अधिक प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस निगम में प्रदेश के 40% से अधिक कर्मचारी हैं और करीब 2,000 मजदूर। निगम हमेशा मजदूरों के हितों का ध्यान रखता आया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री समेत सांसदों विधायकों से भी इस मामले को उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में हुए जनसंहार और उसे लेकर प्रियंका वाड्रा द्वारा संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचने पर यूपी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने पर नूरपुर कांग्रेस में भी भारी रोष नजर आया है। इसी के चलते आज नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल चंब्याल तथा प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज पठानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी सरकार जबरन हिरासत में लेने के विरोध में मिनी सचिवालय नूरपुर प्रांगण में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा इसके बाद एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने व प्रियंका गांधी को तुरंत रिहा करने की मांग की। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दिन दहाड़े गुंडों द्वारा आदिवासी ग्रामीणों पर नाजायज जमीन कब्जाने के लिए की गई गोलीबारी में 10 ग्रामीणों की हत्या व 24 लोगों के घायल होने की घटना के बाद जब राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी संवेदना प्रकट करने के लिए उनसे मिलने जा रही थी तो बीच रास्ते में मुर्जापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनको जबरन हिरासत में ले लिया गया, जो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए तथा प्रियंका वाड्रा को रिहा करके प्रभावित लोगों से मिलने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका वाड्रा को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। बच्चों में किताबों के प्रति रुझान पैदा करने के लिए चीन में स्कूल लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते स्कूल में
पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। पुस्तक मेले में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग। पुस्तक मेले में चिन्मय स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ नौणी में स्थित अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। चिन्मय स्कूल प्रशासन पुस्तक मेला पिछले 3 वर्षों से लगातार आयोजित कर रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की मनपसंद किताबों को प्रदर्शित किया जाता है। अधिक जानकारी देते हुए चिन्मय स्कूल के प्रधानाचार्य शुभजीत घोष ने बताया कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, तब से विद्यार्थियों की किताबों में रुचि लगातार कम होती जा रही है। इसलिए वे विद्यार्थियों में किताबों में रुचि हो, इसके लिए वे कई वर्षों से पुस्तक मेले का आयोजन करते आ रहे हैं।